क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार के रावड़ी आवास पर एक दिन पहले छापेमारी के बाद अब सीबीआई की टीम लालू यादव से पूछताछ के लिए पहुंची है। दिल्ली में मीसा भारती के घर सीबीआई की टीम सुबह सुबह पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव से पूछताछ होगी। पूरा मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े केस में आरजेडी मुखिया से पूछताछ की जाएगी। सोमवार को राबड़ी देवी से सीबीआई टीम ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। कथा कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। खबर बाढ़ से है, जहां नगर परिषद के डाक बंगला में जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन सा रंगारंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा दीप जलाकर किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान रवि सिंह चौहान और पत्रकार रूपेश कुमार के साथ कई पत्रकार मौजूद रहे। खबर पीरपैथी प्रखंड अंतर्गत शादीपुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि शादीपुर और हरीशपुर के बीच मित्रवत कबड्डी मैच खेला गया। बता दें, बेस्ट रेडर का किताब निधि और बेस्ट कैचर का किताब हनी को दिया गया। वहीं इस दौरान सर्वोत्तम कुमार शर्मा ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के माता का अहम योगदान है, जिनकी वजह से बच्चियां राज्य स्तरीय खेल में अपने गांव प्रखंड का नाम रोशन कर रही हैं। खबर नालंदा से है, जहां शराब तस्करों ने होली पर्व को लेकर भारी मात्रा में विदेशी शराब स्टॉक की थी, जिसका छबीलापुर थाना क्षेत्र की पुलिस को गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 98.75 लीटर विदेशी शराब बरामद किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। खबर नालंदा से है, जहां लगातार शराबबंदी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद भी शराब तस्करों के द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाकर अन्य प्रदेशों में बिहार शराब लाया जा रहा है। बता दें, जिले के राजगीर थाना क्षेत्र में समकालीन अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर राजगीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चमरडीहा चौराहा पर सोमवार को एक एम्बुलेंस में रखे ताबूत के अंदर से 5 बैग ब्रांडेड विदेशी शराब को बरामद किया, जिसके बाद राजगीर थाना में कांड दर्ज करते हुए बिहार मधु निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में सुपुर्द कर दिया। खबर नवादा से है, जहां जिले के पकरी
वारवा के में रंगों की खुशी का त्योहार खून में तब्दील हो गया। बता दें, तेज रफ्तार ट्रक ने होली खेलते बच्चों को रौंद दिया, जिसमें 9 लोग बुरी तरह दब गए। वहीं घायलों में से 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दुकान खोल के बच्चों का खेल रहा था, इसको हम यहाँ से हटाए, ठीक है बाबू, यहाँ रंग पड़ेगा बच्चा सबका, 5-6 को बच्चा था। ये दुकान खोल के हम वो दुकान का मतलब खोल दिए थे सब, लेकिन उसमें हम सोचे इधर है, पहले उधर साफ कर लेते हैं, फोन कर, जैसे ही वहाँ गए वैसे ही हड़ा से आवाज आई, ठीक है। बैक हम हुए, मतलब बैक हुए तो देखते आदमी का उसको वर्णन नहीं था, ड्राइवर चला रहा था वही बताया कि कितना स्पीड आ रहा था, पूरा आ रहा था। हम अपना घर के पास खड़ा थे, बस उससे मतलब 30 फीट तक दूरी थे। अरे भाग रहे वहाँ पे देखो, मौलवी साहब साइड में खड़ा हुआ था, तू भी गया, उसके बाद वहाँ से भी आया था, अगला घर में मारा चबूतरा में सामान लेके खड़ा हुआ था वो, तो बूढ़ा दी भिगा गया और वहाँ पर 2-3 बुतरू बैठा हुआ था, वो तीनों बुतरू दीवार वाला जो है उसको तोड़ने मारा तो तीनों बुतरू दब गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। रोशन पासवान समाज सेवी एवं महासचिव जेडीयू नालंदा की तरफ से सभी देशवासियों को होली और सभ्य बरात की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मिथिलेश राणा उर्फ मूड़ा यादव जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 पतरघट सहरसा की तरफ से सभी देशवासियों को होली और सभ्य बरात की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सहरसा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान हर साल की तरह महिलाओं को सम्मानित किया गया। बता दें, हर बार महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, पर इस बार होली के चलते 6 मार्च को ही महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। सभी अन्य अन्य विभागों से जो भी महिलाएं हमारा अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको आज उनके कार्यों को सराहना, सम्मानित करना और फील्ड लेवल पे जो भी सिविल सोसाइटी लेवल पे जो महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं उनको चेक देके सम्मानित करना और उनके कार्यों को रिकॉग्निशन देना, आज ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जिला में कई इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे हमारी महिला पदाधिकारी अपनी सेवा दे रही हैं, दिन रात मेहनत करके उन सभी कार्यों को आज सराहा जा रहा है। और बिहार सरकार की तरफ से जितनी भी इस विषय पे योजनाएं चलती, उन योजनाओं से अवगत कराना।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पूर्व बेला में जो आज हम लोगों को जिला पदाधिकारी महोदय के हाथों ये प्रशस्ति पत्र और ये शील्ड दिया गया है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हाँ आज हमारे काम का मूल्यांकन हुआ है और एक उत्साह भी है कि हम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और जिसके कारण हमें बहुत सारा प्रशंसा और खुद आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है। हम सबों को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो भी मॉडल दिया गया या जो भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम था क्योंकि इसे मोटिवेशन मिला। कैसा फील कर रही है? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। खबर सहरसा से है जहां होली के त्योहार के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा जगह जगह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान महागठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। लोग हैं और जितने नेता हैं सहरसा के हम लोगों ने आज उन्हें आमंत्रित यहाँ पे किया और जितने मेरे पिता के भी समर्थक हैं जो लोग लगातार कभी चुनाव में भी मेरी माँ ने सिर्फ यहाँ पे 4 दिन समय दिया था और उतने में 80,000 वोट लाई थी तो लगातार हम लोगों को कभी पटेल मैदान इधर सहरसा के लोगों ने भरा है तो हमने अपने तरफ से एक होली मिलन समारोह एक जगह लोगों को बुलाने का काम किया और सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या मैसेज देंगे आप होली को लेकर पूरे आवाम को क्या मैसेज देंगे? खबर सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत काटखोलवा गांव के थलहा गड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 1 से है जहां देर रात घर में आग लग जाने से भीषण आग लग गई। बता दें आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर इस मामले की सूचना अचल अधिकारी एवं थाना को दी गई जिसके बाद भी कर्मचारी के अलावा कोई भी विभागीय पदाधिकारी पीड़ित परिवार के घरों को देखने नहीं आया। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से सहयोग राशि की मांग की है। हम तो दूध लाने गए थे बच्चों के लिए। अच्छा। उधर से आए तो देखे सब कुछ जल के राख हो गया। कितना का संपत्ति जला? लगभग 2 लाख का। 2 लाख का। यहाँ कौन सब आया था चेक में जांच में? सीओ आया था। सीओ क्या आश्वासन देके गए आपको? बोला जो होगा हमारे तरफ से वो मिलेगा। अच्छा। सरकारी तरफ से जो प्रावधान होगा वो मिलेगा। अभी तक नहीं दिया कुछ? नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार मेहता। कौन सी पंचायत है जहाँ आग लगा है? वार्ड नंबर कितना पड़ता है? कैसे आग लगा था ये? सर हम घर पर नहीं रहिए, केना आग लाग ले लाग ले हमरा पता नहीं। अच्छा, ये पता करिए तो कोई न कर के हमरा। कितना का क्षति हुआ आपका? लगभग 2 लाख। क्या सब था आपके घर में जो जला हुआ था? एक तो पलंग था, गेहूं था। गेहूं कितना कुंटल था? 8 कुंटल। और चावल 1 ग्राम। सुनने शादी के लिए पैसा रखे हुए थे आप? हाँ रखे थे, मेरा जटका लड़का रखे। अच्छा, थला वार्ड नंबर 1। अच्छा, ई आग जे लागले केना लागले से बताबू सर? पता नहीं छै केना आग लागले, अंगना में नहीं रही। क्या तारीख का आग लागले रहा? 4 तारीख का। 4 क्या बजे? 7 बजे। की जल लले आग घर में? घर में सर चौकी रहे, पलंग रहे, कपड़ा रहे, बक्सा रहे, जबर रहे। शादी रही बहन के, पहले पैसा वजिया के रखने रही, जेतिए सब जल गेले। कते पैसा जल ले? 50,000 टका रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां रामनगर प्रखंड के खटोरी पंचायत के मुखिया अस्मिता चौरसिया पति विजय कुमार नाग ने आज अपने पंचायत की महिलाओं को अपने दरवाजे पर बुलाकर कई बिंदु पर चर्चा की और धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। वहीं मुखिया महिलाएं के साथ रंग अबीर गुलाल के साथ पंचायत की महिलाओं के साथ रंग अबीर लगाकर खुशी का माहौल बनाया। के साथ एक होली मिलन समारोह करी हूँ जिसमें अपने सभी बहनों के साथ बैठकर अपने ज़िंदगी का सुख दुख बांटी हूँ, उनका भी कुछ सुनी हूँ, अपना भी कुछ सुनाई हूँ। और मैं कामना करती हूँ कि होली के शुभ अवसर पे सबके ज़िंदगी में रंग गुलाल का जो रंगीन
एहसास आए और इन लोगों के ज़िंदगी से मैं कोशिश करूं कुछ दूर को कम करने का। और आज अपने पंचायत वासियों को होली के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामना देती हूं कि उनके ज़िंदगी में खुशहाली आए। बिहार की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।